उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। चंगाई सभा यानी वैसा कार्यक्रम जहां लोगों का भगवान के नाम पर इलाज किया जाता है। पुलिस ने ऐसे ही एक कार्यक्रम में छापेमारी कर मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग भोले भाले ग्रामीणों को बीमारी का इलाज व पैसा का प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर 9 नामजद सहित एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। धर्मांतरण की यह घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के केसरिया गांव की है। महेवा घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले नंदूलाल सरोज ने पुलिस को आवेदन देते हुए बताया कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। मैं एक दिन पश्चिम शरीरा बाजार में इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास गया था, तभी वहाँ मेरी मुलाकात सत्यपाल से हुई। दोनों के बीच जान पहचान बन गई। सत्यपाल ने बताया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हारा इलाज भी होगा और भविष्य में काफी फायदा होगा।